हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है ये एक चीज़ बाइट का डिब्बा, और इसको हम यहाँ से इसका ये कवर निकाल कर इतना यहाँ से कट कर देंगे। ये जैसे मैंने ये कट कर लिया है, ये रेडी हो गया हमारे पास। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल के अंदर वॉल पुट्टी, वॉल पुट्टी लेने के बाद इसे आटे के जैसा गूंथ लेंगे, एक थिक डो रेडी कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर मिक्स करेंगे ताकि ये पतला ना हो जाए। हमें डो रेडी करना है तो इसे थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और एक डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक स्मूथ सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे यहाँ रखकर इसे हम बेलेंगे। तो इसको चपटा करने के लिए मैं इसके ऊपर इस तरह से पॉली बैग लगा रही हूँ, और इस तरह से बेलन की हेल्प से हम इसे बेल देंगे और चपटा कर लेंगे। ये बेलने के बाद अब इसे हम लगाएंगे इस जार के ऊपर। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पर फेविकोल। फेविकोल लगाने के बाद अब इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। जहाँ से थोड़ा क्रैक वगैरह लगे तो उसको हम इस तरह से हाथ से दबाकर स्मूथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगाया है, जो ये स्पेस बच गया है इसके लिए भी एक बार और बेलकर और इसको पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए, मैंने सभी तरफ लगा दिया है। अब इसके जो हमने जॉइंट किया था, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है उसका जॉइंट, तो अब हम इसे वाटर की हेल्प से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे, एक दूसरे से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जहाँ से भी थोड़ा बहुत क्रैक होगा उसे भी बिल्कुल स्मूथ कर देंगे इस तरह से वाटर लगाते हुए। अब हम चाहें तो इसको ऐसे प्लेन भी रहने दे सकते हैं, इसको सूखने के बाद इसके ऊपर कलर कर सकते हैं और कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको इसी गीले के ऊपर भी कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं और फिर सूखने पर कलर कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर यही अभी से डिज़ाइन कुछ ड्रॉ बनाऊंगी इस तरह से। मैं ये पेंसिल की टिप से इस तरह से ये पूरे पॉट पर हम ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे और इसको फिर सूखने के बाद इसके ऊपर कलर करेंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखेगा। ये डिज़ाइन मैंने चारों तरफ बना दिया है और ये अब सूख भी चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं करूँगी ब्लैक एक्रेलिक कलर। अच्छे से इसको ब्लैक कलर से कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से करते जाएंगे और पूरे पॉट पर ब्लैक कलर अच्छे से फिल करना है ये अंदर तक। ये देखिए, सब पॉट पे ये ब्लैक कलर हो गया और अच्छे से सूख गया है। अब इसके ऊपर मैं करूँगी गोल्डन कलर, और ये मैं ले रही हूँ स्पॉन्ज के ऊपर कलर को।
और फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर कर दूंगी। इसी तरह से करते हुए स्पॉन से पूरे पॉट पे हम कलर कर देंगे। ये देखिए सभी तरफ मैंने कर दिया है। अब इसको इसके ऊपर जो ये बाउंड्री है इसको भी हम गोल्डन कलर से करेंगे। ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर गोल्डन कलर कर देंगे। ये इसकी किनारी पर चारों तरफ हम ये गोल्डन कलर कर देंगे और ये हमारा सुंदर सा एक पॉट रेडी हो गया है। इसको एज ए फ्लावर पॉट या प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए